हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम चंद्र। मेरे को दूसरी बात वीडियो ये बोलनी थी, जब मेरा पेट में केशो था तब भी सबको दिक्कत थी, तब भी सब लोगों ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक करवाए, बहुत सारे बोले, बहुत गंदा बोला, मेरे को किसी का कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मेरे को तब भी समझ में नहीं आया कि बच्चा मेरे पेट में था या नहीं था। अगर वो होता तो उसका खर्चा मैं देखती। आज की तारीख में मेरे 1,10,000 सब्सक्राइबर है, वेल सेट है, महीने का 50-60 लाख रुपये विद्या देवी कमाती है, गाँव में अच्छा खासा है, तो सामने वाले पे क्या बर्डन पड़ता। किसी को भी अगर मेरे बच्चे से तकलीफ थी तो कौन सा उनके पास 2-5-10 करोड़ की जायदाद थी, अंबानी की औलाद थे, कि मेरा बच्चा उसमें हिस्सा मांगने चला जाता, उसके लिए इतना ब्लैक मैजिक करवाया, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ जो मेरी प्रॉपर्टी है, जिसके लिए वो भी, तो उसके लिए भी आज सबको दिक्कत हो जाता है। सब लोग ब्लैक मैजिक कराना शुरू किए, डेली पूजा कर रहे हैं, सिगरेट अगरबत्ती लगा रहे हैं, गांव तक फोन चला जा रहा है, एड़ेश्वरी में मन्नत मांग रहे हैं, उत्तेश्वर महादेव में मंदिर में मन्नत मांग रहे हैं, तुलजापुर में मन्नत मांग रहे हैं कि इसको बच्ची ना मिले। शर्म आती है क्या? हाँ, शर्म आती है? मैंने कभी ऐसे किसी के लिए बुरा सोचा है क्या? अरे मेरी एक बच्ची अगर गोद आएगी, एक अनाथ बच्ची को अगर एक नाम मिलेगा, उसको 2 भाई बहन मिलेंगे, उसको कोई, तुम लोगों को दिक्कत क्या है? मेरे यहाँ लोग हराम का खा के चले जाते हैं, देख रहे हो, नमक का हराम का खा के नमक हरामी करके चले गए हैं। हाँ, लाखों करोड़ों रुपए खा के बैठ गए, लेकिन उन लोगों को हजम हो गया। और एक बच्ची आएगी, जैसे सब खाते वैसे वो खाएगी, कौन सा मुझे उसके लिए अलग से कमाना धमाना पड़ेगा? लेकिन उसमें भी दिक्कत है, गांव तक फोन चला जाता है, ये जाता है क्यों? और जो तुम लोग तुम्हारा साथ देते हैं, जाके कॉल रखते हैं, उनको शर्म नहीं आती है? मतलब एक इंसान की उम्र हो जाती है, उम्र में इतना इतना बुरा दिन तो आ गया है कि पूरे परिवार ने उठा के कचड़े के जैसा फेंक दिया है कि कभी भी आने का नहीं, कोई पूछता नहीं है। कम से कम नसीब सोचो कि अब तक वृद्धा आश्रम में लोगों ने नहीं फेंका, तो भी शर्म नहीं आती है? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं सोची यार, मेरे बच्चे के पीछे क्यों बुरा सोच रहे? मैंने आज तक भले मैं कितनी भी कैसी भी मुंह की बड़ बोली हूँ, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन मेरा बुरा सोच रहे हो क्यों? कौन सी मेरी बच्ची आ जाएगी और तुम्हारे घर पे या किसी के भी घर पे, जिन लोगों को मेरी बच्ची बुरी लग रही है, क्या तुम लोग के घर पे जमीन जायदाद मांगने जाएगी या करोड़ रुपये? उल्टा मेरे को इतना तो पता है कि एक वो नई विद्या देवी बनेगी, मेरे साथ पूजा पाठ सीखेगी, उसको मैं उतना काम सिखाऊंगी, आगे जाके वो आप लोगों को शायद कुछ तंत्र वंत्र विद्या की सीख देगी, बहुत अच्छी वो चीज़ करेगी, हो सकता है वो भी दान धर्म करे, उसके भी उसको भी इतना पावर देंगे कि वो भी अपने लोगों को दान धर्म बांटेगी। लेकिन नहीं, पाप का घड़ा भरता है तो छलकता तो है, जो लोग ने जिंदगी भर पाप किया वो दूसरों को पाप की नज़र से ही देखेंगे ना। देखो मुझे, मेरा गुप्त नवरात्रि चालू, मुझे किसी को गलत नहीं बोलना, मैं एक बात कहती हूँ, मैंने कभी किसी के बच्चे को या किसी को गलत नज़र से नहीं देखा है। ये मैं अपने लोगों को भी बोल, मैं अपने लोगों को ही बोल रही हूँ, जो लोग मुझसे सीखते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मुझे दीदी बोलते हैं, मेरे बच्चे लोग उनको मौसी बोलते हैं, या जो भी एनीथिंग, कोई भी जो भी आते हैं, जो मेरे साथ यात्रा पे जाते हैं, मेरे से 2 पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी अगर मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं तो ये अपने लिए खड्डा खोदने वाली बात होगी। देखिए, हमने हमेशा सबके बच्चों को आशीर्वाद दिए, और अगर कोई मेरी बेटी तक आने तक रास्ता करेगा ना, ये फिर मैं कुछ नहीं करूँगी, फिर मैं अपने सुल्तान पे छोड़ दूंगी, बात खत्म। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और मैं एक माँ होकर कभी किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। क्यों, कुछ लोगों को कहीं जाने नहीं मिल रहा है? कहीं मिलने नहीं मिल रहा है किसी को, गाँव जाने नहीं मिल रहा है, कहीं जाने नहीं मिल रहा है, जिधर जाने जाओ। मैं तो इसीलिए अपना रास्ता बदल रही हूँ भाई, मैं अपना रास्ता बदल रही हूँ, मैं अपना ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अभी जिस तरह से मैं प्रोग्रेस पे हूँ, 2024 का इलेक्शन है, मैं जिस तरह प्रोग्रेस पे हूँ, मुझे अभी ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़नी है, मुझे आगे देखना है, ये सब फालतू के लिए मैं ध्यान नहीं देना। लेकिन तो भी मुझ पे लोग ध्यान दें, अभी अब सोचते होंगे मुझे कैसे पता चलता होगा, ऐसे भी लगता होगा कि इसको कोई जाके बताता है। हाँ, बताते हैं ना, लोग बताने वाले बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? आप अगर मेरी बुराई किसी के सामने करोगे तो जरूरी थोड़ी हर किसी को बर्दाश्त हो, सामने वाला आपके सामने हाँ हजूरी करेगा, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा रहेगा कि ये तो कुछ नहीं बोल रही, तो ये क्यों लोग बोल रहे हैं इसको, तो मुझे आता है मैसेज। और उसके बाद मेरी हाजिदा है, हम लोग आईनी अमलेत में भी देखते हैं, शक्तियाँ ऐसी पाल के रखी क्या मैंने? मैंने अपनी शक्तियों से कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने अपनी शक्तियों से पावर मांगा, ऐसी बात है। ये तो अभी उसके हाथ में कि जो मुझे मेरी बच्ची मेरी गोद में देगा उसको क्या गिफ्ट और क्या इनाम मिलेगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है, ठीक है। लेकिन अपनी औकात में रहो,
कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़े कि जिंदगी भर तुम लोग सिर्फ सर पे हाथ रख के रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाओ, बस इतना बोलूंगी। मेरे नाद में मत लगो प्लीज़।